डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर से आए हुए हैं। सुनैना जी और साथ में मनवी जी सोशल वर्कर हैं और उनके साथ हमारे बीच में प्रेस से श्री पूरन चंद जी और डॉक्टर सुप्रीत जी और हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य जी, साथ में मेंबर्स और इस विद्यालय के सभी विद्यार्थी, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और विशेषकर डिस्ट्रिक्ट जो टूरिज्म ऑफिसर है हमारे बीच में, इनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे साथ समय निकाल कर आए हैं डॉक्टर सुप्रीत जी, वेलकम वेलकम। और उसके बाद हमारे साथ आई है प्रेस से पूरन चंद जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं वेलकम करना चाहूंगी गवर्नमेंट पॉलिटिक कॉलेज सेवमार से आए टीचर्स नीतू मैम और पंकज ठाकुर जी का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप ही के योगदान के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। एंड स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट पॉलिटिक कॉलेज सेवमार के स्टूडेंट्स हैं, वो आपको रोल प्ले के माध्यम से बताएंगे कि नशे के बारे में अवेयर करेंगे, तो उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वेलकम एवरीवन, थैंक यू सो मच। स्टाफ मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। खाना नहीं खाया आपने? खाया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, तो जैसे सर ने हमें बताया कि हम इस बात के बारे में डिस्कस करने के लिए आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ड्रग, इज नशा। नशा क्या है? नशा वो बीमारी जो हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है, वो है नशा। स्पेशली जो हमारे युवा को खत्म कर रहा है वो है नशा। और हम जानते हैं कि जो युवा है वो कल का भविष्य है और किसी देश की रीढ़ की हड्डी। जो युवा है वो एज अ बैकबोन प्ले करता है एक कंट्री को बनाने में, और हम सभी देश के युवा हैं और हमें नशा नहीं करना चाहिए और हमें इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, राइट? हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, अभी पहाड़ों के लिए जाना जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। और हम जानते हैं कि कुल्लू मनाली जो है इसमें कम योगदान नहीं देता। कुल्लू मनाली इज वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट और आज मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर मैम आए हैं। हमें आपदा का सामना किया जहां पे हमने देखा कि कैसे सब हमारी नजरों के सामने हमने देखा कि I'm working for addiction treatment facility Kullu at Bhuntar. हम department है RH Kullu का, हमारा campus separate है addiction treatment और mental health diseases के लिए। I'm working with Dr. Satyavrat Vaidya. बहुत लोगों ने नाम सुना होगा उनका। He's my senior. He's working in this field from last 26 years. I have done my course from NIMHANS. He has done his diploma from NIMHANS. So now I'll start talking about drug dependence. अभी मैं drug dependence के बारे में बात करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ drugs के बारे में किस किस को पता है, नाम क्या क्या पता है ये बताओ। क्लियर? हैंड रेस करके बताओ, कुछ भी नहीं सुन रहा है कोई भी। एक एक बताओ सारे, आप बताओ आपने क्या सुना है। सबने सुना है ना, सब्सटेंसेस सबको पता है। बताओ कुछ भी बताओ, आप बताओ। किसी को पता ही नहीं है सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ड्रग्स क्या होते हैं, सब बताओ। चलो 10 नेम्स काउंट कराओ मुझे, क्विक 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 10 नेम्स काउंट कराओ सब लोग। बीड़ी का नाम किसने सुना है, हैंड रेज करो। चलो सिगरेट, जॉइंट किसने सुना है, भांग किसने सुना है, कोकीन,
हीरोइन जिसको चिट्टा बोलते हैं, अफीम, ओपियम, एलएसडी किसने सुना है, एम्फेटामिन किसने सुना है, एक्सटेसी किसने सुना है, अल्कोहल तो सबको पता ही है, ये भी सब्सटेंस है ना, तो आप सबको अवेयरनेस है, नाम सबने सुने हैं, सबने ये भी सुना है कि ये सारे सब्सटेंस, ये भी हमारे सारे पेशेंट्स ने बनाया हुआ है वेस्ट वुड से और ये स्टोन सारा कुछ। ये हमारा कैंपस है, पीछे मेरे सीनियर का ऑफिस है, ये सारे ड्रीम कैचर्स, ये पेंटेड बॉटल, सारा कुछ हमारे पेशेंट्स का बनाया हुआ है, ये इवन पेंटिंग्स, ये वर्कशॉप्स कराते हैं, कई बार आर्टिस्ट आते हैं वो वर्कशॉप्स कराते हैं, तो पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, ये हमारा एग्जीबिशन था, ये मेरी ओपीडी है, ये मेरा ऑफिस है, ये साइकोलॉजिस्ट काउंसलर का रूम है, साइकोलॉजिस्ट आप सबको पता होगा अब तक तो, जहां पे आपसे पर्सनली ले जाके आपसे डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ये सेशंस एरिया है, ये कोऑर्डिनेटर, ये डिफरेंट रूम्स हैं, नर्सिंग स्टेशन है, ये हमारा फीमेल वाला हॉस्पिटल है, ये मैं दो वार्ड्स हैं एक फीमेल्स के लिए जहां हमारा ऑफिस है, तीन बिल्डिंग्स हैं, एक मेरे सीनियर की बिल्डिंग है जहां पे हमारा डिस्कशन रूम है, एक फीमेल वार्ड की बिल्डिंग है जहां सारे ऑफिसेज हैं और एक मेल वार्ड है, ये हमारा इंडोर है, बेड्स हैं और ये डांस थेरेपी हो रहा है, डांस थेरेपी, योगा थेरेपी, ये सब कुछ होता है, और ये मैंडाला आर्ट करा रहे हैं हम, आर्ट थेरेपी में उनसे मल्टीपल चीजें, कई बार पजल मेकिंग कराते हैं कॉग्निटिव फंक्शनिंग पे वर्क करने के लिए, ये सेशन एरिया, ये पेशेंट्स का सेशन ले रहे हैं, ये हमारे मेडिकल सोशल वर्कर हैं जिसमें क्लासेस ली जाती हैं सिंपल लैंग्वेज, ये वर्कशॉप के लिए आर्टिस्ट हैं डॉक्टर संजू मैम, वो आए थे, वो ब्लॉक प्रिंटिंग करा रहे थे, ये सेशन है, फिर से कैरम टाइम भी होता है, ये हमारा फेसबुक पेज है, सब लोग फॉलो कर सकते हैं, ये नर्सिंग स्टेशन है, नर्सेज हैं, ये मेरी ओपीडी है, ये गार्डन, ये सारा पेशेंट्स ने सेटअप किया, इवन ये हमारा जो फेंस है, ये स्टैचूज है, ये सारा का सारा पेशेंट्स ने बनाया है, हमारा कैंपस इतना ब्यूटीफुल, हमारा फ्लड्स में सारा का सारा चला गया था, यहाँ पे सारा मक था, ये पेशेंट्स ने दोबारा से क्रिएट किया है, फेंसिंग भी पेशेंट्स ने किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे हम समझते हैं कि वो लोग गुड फॉर नथिंग होते हैं, सोसाइटी से डिस्कार्डेड होते हैं, तो कुछ भी नहीं कर सकते, अब आपके परसेप्शन बदले होंगे कि ये भी आप ही में से हैं, आर्टिस्ट हैं, वर्कर्स हैं, हर स्वेता के, हर प्रोफेशन के लोग हैं जिनको ये डिजीज हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है, और ट्रीटमेंट के बाद रिकवर हर कोई कर सकता है, बट फर्स्ट स्टेज है आपकी स्टेज पे, अगर आप इस डिजीज में ना ही आओगे तो आप इसको, दैट्स इट, थैंक यू। आपको नशे के बारे में संपूर्ण जानकारी दी और कुछ डिस्प्ले भी दिखाया आपको, देखो फोटोज दिखाए कि ये जो नशे में, जो नशे की लत जिसको पड़ जाती है, ऐसा नहीं है कि उनको जो है वो डिस्कार्ड करना है, बाहर निकालना है, और उनमें बहुत सारे गुण हैं, वो देखो आप देख रहे हैं कि जो क्रिएटिविटी है उनकी है, तो इनको स्क्रीन लाइन में लाना ही हमारा मुख्य मकसद रहता है। तो इसी कड़ी में हमारे बीच जो हमारे बीच में मुख्य अतिथि और अतिथिगण आए हुए हैं, तो उनको सम्मानित करने का शुरू में था प्रोग्राम, सीधे सिलेबस पर आए तो बोला जाता, तो अतिथि देवो भव इस परंपरा के अनुसार जो है मेरा प्रधानाचार्य महोदय से विनम्र निवेदन रहेगा कि वे मुख्य अतिथि मैडम डीडीओ सुनैना जी को टोपी देकर सम्मानित करें। डॉक्टर सुभ्रीत जी, इनको भी मैम सम्मानित करेंगे। डॉक्टर सुभ्रीत जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज से आए प्रोफेसर नीरज ठाकुर जी, इनको भी सम्मानित करें मैम।
और फॉर टेक्निक से मिस्टर पंकज ठाकुर जी प्रोफेसर इनको भी यहाँ किया। और जो प्रेस का काम देख रहे हैं यहाँ पे श्री पूरन चंद जी, मेरा निवेदन रहेगा मैं उनको भी टोपी देकर सम्मानित करें। पूरन चंद जी हमारे बीच में श्री मोहित गर्ग जी हैं, इनका पहले भी नाम लेना मैं भूल गया, तो इनका भी सम्मानित करेंगे। और ये एनजीओ सहज जो है इनके फाउंडर हैं, और ये नशे का जो अवेयरनेस से रिलेटेड जो है वो जो भी प्रोग्राम्स रहते हैं उनको देखते हैं। हमारे बीच में मैडम मानवी जी सोशल वर्कर, इनको भी मैं सम्मानित करेंगे। एनर्जी डाउन हो गई जो लेक्चर्स के बाद जो होता है स्कूल में, दुखी हो गए हैं ना, ज्यादा हो गया, ओवरडोज हो गया लेक्चर्स का, नहीं हुआ तो एक और लेक्चर दे दूं। ओके, सबसे पहले तो प्रिंसिपल मैम, यहाँ का स्टाफ, पॉलिटेक्निक से जो टीचर्स आए हैं, मानवी जी हमारे एनजीओ के यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, एंड प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगी स्टार्ट करने से पहले। मेरा नाम सुनैना शर्मा है और मैं 2013 बैच की एचएएस अधिकारी हूँ, और करंटली जो है प्रेजेंटली आई एम पोस्टेड एज डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर, जिला पर्यटन अधिकारी, जिला कुल्लू। जैसे कि बहुत अच्छे आपको लेक्चर्स अभी दिए गए, मानवी जी ने बहुत प्यार से आपसे जो है वो एक प्यार प्यार में आपसे एक प्रॉमिस भी ले लिया है कि कोई बच्चा जो है वो नशा नहीं करेगा, और साथ में डॉक्टर मैम ने आपको उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया। तो मेरे पास क्या काम रह गया, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, सब कुछ तो पता लग गया पता। तो फिर मेरा मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं है, है? अच्छा, ऐसा है कि मैं आप लोगों को अब प्रैक्टिकल साइड के बारे में बात करूंगी। थ्योरेटिकल हमने कर लिया, हमें पता लग गया कि ड्रग्स लेके क्या होता है, ड्रग्स नहीं लेने हैं, हमने प्रोमिसेस भी दे दिए। अब मैं आपको दो स्टोरीज सुनाऊंगी, छोटी छोटी स्टोरीज सुनाऊंगी जो एज ऑफिसर मैंने देखी है, जो मैंने महसूस की है कि सोसाइटी में ड्रग्स का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। मैं एसडीएम बैजना थी 2017 में, तो ये आज से आई थिंक 5-6 साल पहले की बात है। तो 5-6 साल में तो और डिटेरेट हो गया हमारा सिस्टम, ये 6 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। मेरे पास एक वृद्ध लेडी आई, ओल्ड लेडी आई, और वो रोने लग गई जोर जोर से। मैं भी थोड़ा घबरा गई कि पता नहीं इनके साथ क्या हो गया माता जी के साथ। तो मैंने उनको बिठाया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा बताइए माता जी क्या बात है, आप क्यों इतना रो रही हैं। तो बोला बेटा मुझे तो तुम्हें यहाँ देख के, इस कुर्सी पर देख के ना बहुत खुशी हो रही है। मैंने कहा तो इसमें रोने वाली क्या बात है। कहती मैं रो इसलिए नहीं रही हूँ, मैं रो इसलिए रही हूँ कि सारी जिंदगी हम बेटा 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 करते रहते हैं, मैं आपके पास आज शिकायत लेके आई हूँ, मेरे बेटे ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा है। और अब हम मैम को प्रॉमिस करेंगे कि हम पुलिस बनेंगे, हर बच्चा पुलिस बनेगा, और हम सब हीरो बनेंगे और नशे से लड़ेंगे। और अभी आप सभी के सामने एक रोल प्ले कंडक्ट करवाया जाएगा, तो नीचे ग्राउंड में करवाया जाएगा, सो दैट आप सभी जो है उसे, आप इसके जुम्मन में फंस गए तो क्योर करना मुश्किल है, और कई केसेस में बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मेरी सजेशन और संदेश यही है, हमेशा इन ड्रग्स जैसी चीजों से दूर रहे। थैंक यू वेरी मच। सभी विद्यार्थी कृपया शांत बैठिए, 2 मिनट बाद जो है हम ग्राउंड में जाएंगे। मैं प्रिंसिपल मैम का संबोधन सुने। मैं यहाँ पे अपनी तरफ से और पूरे स्टाफ की तरफ से डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर मैम सुनैना शर्मा जी, और जो है डॉक्टर सुब्रत जी, मानवी शर्मा जी जो सोशल वर्कर हैं, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं पूरन चंद जी, प्रोफेसर्स
जो पॉलिटेक्निक से आए हैं, नीलम ठाकुर जी और पंकज ठाकुर जी, और सहज फाउंडेशन के जो हैं प्रेजिडेंट मोहित गर्ग जी, इन सब का यहाँ पे अपनी तरफ से, स्टाफ की तरफ से यहाँ पे आने के लिए वेलकम करती हूँ और साथ में जो है थैंक्स करती हूँ। खासकर जो डीटीयू मैम है सुनैना शर्मा जी, इन्होंने इतना बिजी होकर के भी हमारे स्कूल के लिए टाइम निकाला और बच्चों को जो है इतनी अच्छी जानकारी दी, तो इसके लिए हम इनका जो है थैंक्स करते हैं। जो मानवी मैम है, इतनी छोटी उम्र में ही इतनी बड़ी सोच है इनकी, और समाज के हमारे जो सबसे बड़ी मीडेंस है उसको इन्होंने सिलेक्ट किया और जो है इसके बारे में स्कूलों में बच्चों को जाकर के अवेयर करने की जो है कोशिश है, इसके लिए भी ये जो है बधाई की पात्र है और इनका अच्छा। जो है अभी आपको सबने टेक्निकल लोगों ने जैसे डॉक्टर हैं इन्होंने बताया, तो ड्रग्स के बारे में तो मैं अब इतना कुछ मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब लोगों ने, इतने लोगों ने आपको बताया। और वैसे भी हमारी गवर्नमेंट जो है, कोई भी गवर्नमेंट हो, इसके बारे में उनकी प्रायोरिटी रहती है और NSS के माध्यम से स्कूलों में ऑलमोस्ट हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ जो है प्रोग्राम यहाँ होता है और कई बार होर्डिंग्स लगाने के लिए बोला जाता है कभी लोगों के लिए, और लगातार इसके लिए जो है स्कूल में जो है ये कमेटीज भी बनी हैं और टीचर्स की कमेटी बनी है और समय समय पर आपको जो है जागरूक करते रहते हैं। बच्चों जो ये आपको बताया गया अभी, तो आपको इसलिए बताया ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा जो है सारे कुछ ड्रग्स ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। आप जो स्कूल के बच्चे हैं वो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं और आपका काम है कि आगे जाके अपनी फैमिली को और गांव में जो है सब लोगों को और जो है पड़ोसियों को इसके बारे में जो है अवेयर करना, क्योंकि जो है लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार मिलती है और हमें जो है लाइफ में इतना कुछ करने के लिए, अगर आप लाइफ को ईजी लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे हमने तो स्कूल का मोटो भी बी हैप्पी रखा है, मेरे ऑफिस में यही पेंटिंग लगी है बी हैप्पी, और जो भी मैं स्कूल में करवाती हूँ हटके जाती हूँ, चाहे गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हो चाहे ना हो, लेकिन आपको खुश रखने की जो है कोशिश कराती हूँ जो कि हम एज ए स्कूल हेड जो है कर सकते हैं। आज भी जैसे कोई भी स्कूल पिकनिक से नहीं जाते हैं तो मेरे क्लास के 6 से 8 के बच्चे जो है वो पिकनिक के लिए भाग गए हैं और आप लोगों को भी ले जाया जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज एंड नहीं है लाइफ, जैसे आपको अभी बताया मैम ने कि स्टडीज ही जो है एंड नहीं है लाइफ का, जो है लाइफ में इतना कुछ है करने को। और कुल्लू जैसी जगह में तो आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, ऑर्चर्ड्स है, होटल है, टूरिज्म है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ लाइफ से हार नहीं माननी है, कोई भी चीज एंड नहीं है। सिर्फ स्कूल में इसलिए बोलते हैं हम आओ क्योंकि आप डिसिप्लिन में रहते हैं, आप अपने आप को बिजी रखना है, आप ड्रग्स में नहीं जाएंगे अगर आपको अपने आप को 24 घंटे जो है बिजी रखेंगे, ऑक्यूपाइड रखेंगे, चाहे वो अगर आप स्कूल आते हैं तो क्या है आप जो है गलत रास्ते में नहीं जा सकते हैं। और घर में मैं कहती हूँ पेरेंट्स की हेल्प करो, अपने बगीचे में काम करो घर जाके, अगर बिल्कुल अपने आप को बिजी रखें तो जो है कभी भी जो है गलत इसमें नहीं जा सकते। म्यूजिक को सुनो, डांस करो, जो भी आपको अच्छा लगता है, पेंटिंग है वो करो आप, तो जो है इस गलत की और रास्ते की ओर जो है जा ही नहीं सकते हैं। और आजकल जो है बॉयज ही नहीं, जैसे बताया गया, गर्ल्स भी इसमें पीछे नहीं है। कल ही जो है मैंने ये न्यूज सुनी थी कि एक लड़की मंडी में जो है बिल्कुल नशे में बिल्कुल गिरी हुई थी और सीरियस हालत में थी, उसको नेरचौक जो है मेडिकल कॉलेज में ले गए हैं। तो लड़कियों को भी क्या देखना चाहिए, आप हमारे स्कूल में ही देखो इतने अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग आते हैं अभी देखो स्टेज पे जो है, तो आइडल बनाओ किसी को, ठीक है ना। जो भी अच्छे लोग होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, उनको अगर आप लाइफ में आइडल बनते हैं, बनाते हैं और उनको कॉपी करते हैं तो आप जो है आप भी लाइफ में इंजॉय करेंगे, ठीक है ना, इंजॉय करेंगे और खुश रहेंगे।
तो एक बार फिर से मैं अफजाना बोलते हुए जो है अपने चीफ गेस्ट मैडम सुनैना शर्मा जी का, डॉक्टर साहब और मानवी जी और जो भी इनके साथ आए हैं, लेक्चरर्स हैं पॉलिटेक्निक से, जो जर्नलिस्ट हैं और जो सबका मैं जो है थैंक यू करती हूँ, और अपने स्टाफ का भी थैंक यू करती हूँ जिन्होंने यहाँ पे जो है पूरा कोऑपरेट किया। और बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इसके बाद जो है आप लोग बार बार टॉयलेट्स नहीं जाएंगे, आप हर घंटे के बाद जो है आप वॉशरूम इसीलिए जाते हैं जो कुछ मतलब स्मोकिंग वगैरह करते हैं, बाकी तो नहीं आप करते होंगे, लेकिन कुछ एक बच्चे जो है ये करते हैं, तो आप बार बार यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि लाइफ में इतना कुछ है अच्छा करने के लिए, टाइम ही नहीं है हमारे पास जो है उल्टी चीजें सोचने के लिए अगर जो है आप ठान लें। तो अब इसके बाद एक रोल प्ले होगा नीचे, तो आप बिल्कुल बच्चों साइलेंटली जाएंगे और जैसे प्रेयर में बैठते हैं ना, तो उस ढंग से वहां पे बैठेंगे बिना शोर शापा किए। थैंक यू। आज यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाइस में जो है मुझे यहाँ आने का मौका मिला है और बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला है, और हमने आज जो है बच्चों से बात की है ड्रग्स के संदर्भ में कि क्या इनके दुष्परिणाम है, कैसे इससे बचा जा सकता है, और अगर कोई इस उसमें फंस भी जाता है तो कैसे इससे बाहर निकलना है। तो एक बहुत अच्छा एक जो आयोजन है जो स्कूल में जो किया गया उसमें मानवी जी के द्वारा जो है वो ये सारे जो प्रयास जो किए गए हैं, और बहुत अच्छे तरीके से जो बच्चों ने ये बात सुनी, और डॉक्टर साहब थे हमारे साथ डॉक्टर शुभदीप जी, इन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से जो है इनकी सारी डिटेल्स के बारे में बताया है, ड्रग्स किस प्रकार की होती है, क्या वो इम्पैक्ट करती है, और बच्चों ने भी बहुत ध्यान से जो इस चीज के बारे में सुना, तो एक बहुत अच्छा है कि सराहनीय जो एक प्रयास है यहाँ पे, और निश्चित तौर पर इस तरह के प्रयास जो है वो डेफिनेट हमें जो है नशे से दूर रहने के लिए हमारे बच्चों को जो प्रेरित भी करेंगे, और इस तरह के प्रयास जो है वो किए जाते रहने चाहिए। और स्कूल जो प्रबंधन है और मानवी जी हैं, इनको मेरी शुभकामनाएं कि आगे भी इस तरह के प्रयास जारी रखें और निश्चित तौर पे जो हमारे बच्चे जो है वो एक सही दिशा में जाएंगे। आज जो ये एंटी ड्रग्स कैंपेन के बारे में जो यहाँ पे बच्चों को अवेयर किया गया, इसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ डीटीओ मैम का, सुनैना शर्मा जी का, जिन्होंने की इतना बिजी होते हुए भी हमारे स्कूल बच्चों के को जो है इसके बारे में जानकारी दी। साथ में जो हॉस्पिटल से डॉक्टर आई थी और जो मानवी मैम है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, इनका भी हम थैंक्स करते हैं कि इन्होंने बच्चों को ये जो मीनेंस है हमारी सोसाइटी में ड्रग्स के बारे में, इसके बारे में अवेयर किया, और इससे बच्चों को जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी और हम जो है इसकी रोकथाम जो है कर सकेंगे। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि आज हमने ड्रग फ्री कुल्लू कैंपेन का आयोजन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का इस पे किया, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर सुनैना मैम, हमारे साथ डी एडिक्शन सेंटर से मैम आए थे, डॉक्टर मैम आए थे, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी स्कूल प्रिंसिपल का कि उन्होंने हमें वक्त दिया और ये कार्यक्रम आयोजन करने के लिए समय दिया। और आज के कैंपेन में हमने एक नई शुरुआत की है जिसमें आपको बताना चाहूँगी कि हमने रोल प्ले का जो आयोजन है वो यहाँ पे किया, जिसमें कि गवर्नमेंट पॉलिटेक कॉलेज सेवभाग से हमारे बीच विद्यार्थी आए थे, उनके साथ पंकज जी और नीतू जी आए थे, प्रोफेसर्स उनके जिनके सहयोग से हम स्कूल में रोल प्ले के माध्यम से बच्चों को अवेयर करा सकें, और उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी, और धन्यवाद करना चाहूँगी प्रेस से आए हमारे पत्रकार बंधु पूरन जी का कि उन्होंने इस कैंपेन को तेजी दी और हमारा साथ दिया। इसी के साथ यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, धन्यवाद। ड्रग्स का आदि हुआ एक टीनेजर तथा उसकी बर्बादी की कहानी, तो आइए देखें।